हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंटर साइंस। देखो, आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं केपलर्स लॉ। अभी ये जो है केपलर्स लॉ, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो हम स्टडी करने वाले हैं, तो एक ही डायग्राम के ऊपर से हम तीनों भी जो लॉ है केपलर्स लॉ के, ये हम स्टडी करने वाले हैं। और इजी तरीके से हम उसको ख्याल में भी रखने की कुछ ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो आप लोगों ने वीडियो आखिरी तक देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं केपलर्स लॉ। ओके, अभी प्लैनेटरी मोशन हैड बीन ऑब्जर्व बाय एस्ट्रोनॉमर सिंस एंशिएंट टाइम। मतलब पहले ही बहुत पुराने जमाने से एस्ट्रोनॉमर क्या करते थे, प्लैनेटरी जो मोशन है इसको ऑब्जर्व किया जाता था। अभी ये जो यहाँ जो तुम लोगों को मॉडल दिखाया गया है ना, ये है एंशिएंट ग्रीक जियोसेंट्रिक सोलर सिस्टम। तो इसमें तुम लोगों को दिख रहा है कि अर्थ सेंटर में दिखाई गई है, जो विच इज क्रिएटेड बाय प्लूटोनी। ओके, लेकिन उसके बाद जो है ये जो है मॉडल, ये किसने दिया हुआ है ये देखेंगे हम। और इसमें देखो सन सेंटर में दिया गया है, और आजू बाजू में उसके पास बाकी जो प्लैनेट्स है वो दिखाए गए हैं। तो ये कोपरनिकस ने दिए हुए है, जिसको सन सेंटर्ड मॉडल बोला जाता है। ओके, देखो यहाँ सन सेंटर में है। ओके, देन बिफोर गैलीलियो, गैलीलियो के पहले ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लैनेट्स पोजीशन वेर मेड बाय नेकेड आई। मतलब जब उस जमाने में टेलीस्कोप ही नहीं था, और उसी वजह से जो भी प्लैनेटरी मोशन है, कुछ भी ऑब्जर्वेशन करना था वो नेकेड आई से किया जाता था। एंड गैलीलियो ऑब्जर्व द जुपिटर्स फोर लार्जेस्ट मून। सबसे पहले गैलीलियो ने जुपिटर के चार मून देखे हैं, और उसने उसको बताया भी है। वो बताने वाला, मतलब जुपिटर के पास फोर मून है, ये बता सबसे पहले बताने वाला कौन है, गैलीलियो। देन बाय द 16th सेंचुरी अ लॉट ऑफ डाटा वेयर अवेलेबल अबाउट द प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी पोजिशन एंड मोशन। तो उसके बाद जो 16th सेंचुरी में के बाद जो डाटा अवेलेबल था, उसमें प्लैनेटरी मोशन के बारे में, पोजीशन के बारे में बताया गया है। तो ये जो है, ये है ट्राइको ब्राहे, मेड द मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द प्लैनेटरी मोशन। अभी जो केपलर है, जिसके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं, तो जिसका नाम है जोहान्स केपलर, स्टडी दिस डाटा, जो डाटा अवेलेबल था उसकी स्टडी किसने की, केपलर ने की। एंड ही नोटिस दैट मोशन ऑफ प्लैनेट्स फॉलो सर्टन लॉ। मतलब जो कुछ रूल होते हैं, तो प्लैनेट भी जो रोटेट करते हैं कुछ ऑर्बिट में, ऑर्बिट मतलब पाथ में, तो उसमें भी कुछ क्या है, लॉ है, ये बताने वाला केपलर है। तो इसी वजह से केपलर्स ने तीन लॉ दिए। तो किस बारे में उन्होंने लॉ दिए है, दैट इज द प्लैनेटरी मोशन के बारे में। तो देर आर थ्री लॉज which is given by Kepler, that is the Kepler first law, then Kepler second law and Kepler's third law. तो तीनों भी जो law है आप लोगों के exam के लिए बहुत important है। तो चलो हम देखते हैं Kepler's first law। तो उसके पहले do you know में जो information दी गई है ना, ये बहुत important है। क्यों important है, क्योंकि हमें जो Kepler's के जो तीन law ख्याल में रखना है, उसके लिए ये समझना क्या है, बहुत important है। तो चलो देखते हैं क्या है डू यू नो में। तो देखो, ऑल इलिप्स इज कर्व। अभी इलिप्स क्या है, विच इज ऑब्टेंड व्हेन अ कोन इज कट बाय एन इंक्लाइंड प्लेन। कैसे, तो देखो हमारे पास क्या है, कोन है। अभी हमें क्या बनाना है, इलिप्स बनाना है। तो इलिप्स कैसे बनाया जाता है, अगर हमने इंक्लाइंड प्लेन में अगर कोन को कट किया तो वी गेट इलिप्स। ओके, तो हमें इलिप्स मिलेगा। लेकिन अगर हमने उसको प्लेन में कट किया कोण को, तो हमें क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। ओके, तो आप लोगों के ख्याल में आ गया होगा कि इलिप्स कैसे हमें मिलता है, व्हेन कोन इज कट बाय एन इंक्लाइंड प्लेन। देन इलिप्स हैव टू फोकल पॉइंट। देखो यहाँ तुम लोगों को ये इलिप्स है, तो इसके पास देखो दो फोकल पॉइंट है, एक को मैंने F1 बताया है, एक को F2 बताया। ओके, देन अभी द सन सम ऑफ द डिस्टेंस, मतलब क्या, देखो द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ टू फोकल पॉइंट फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द कर्व। अभी हमें पॉइंट लेना है, दीज आर ऑल कॉन्स्टेंट, ये सभी क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं। अभी हम देखते हैं डायग्राम के ऊपर से,
तो ये इलिप्स है, ये दो फोकल पॉइंट है, दैट इज फोकस, ये F1 एंड F2। तो हम हमने पॉइंट लिए है ए बी सी, ओके। तो दिस वन इज फर्स्ट एंगल, तो ये फर्स्ट एंगल का नाम क्या है, F1 B F2, ओके। देन अभी हमने दिस सेकंड वाला ट्रायंगल लिया, दैट इज इसका नाम क्या रहेगा, F1 A F2। अभी तीसरा वाला हमने ट्रायंगल लिया, दैट इज इसका नाम क्या रहेगा, F1 C F2, ओके। तो ये कैसे है, कांस्टेंट है, ये इक्वल है, ओके। देन अभी इफ ए बी सी आर थ्री पॉइंट ऑन द इलिप्स, देखो अभी ये तीन पॉइंट जो हमने लिए है, ए बी सी ए पॉइंट है, किसके ऊपर के, इलिप्स के ऊपर के। देन अभी ये तीनों हमने ट्रायंगल लिया, अभी हमने बताया, तो F1 B F2, तो यहाँ की जो एडिशन रहेगी, दैट इज साइड की, बी बी एफ वन प्लस बी एफ टू। अभी हम सेकंड ट्रायंगल लेते हैं जिसका नाम है F1 A F2, तो इसके जो साइड्स है उसकी अगर हमने एडिशन की, तो कौन से साइड्स है, F1 और प्लस A F2। और तीसरा जो ट्रायंगल है जिसका नाम है F1 C F2, देखो F1 C F2, अभी इसकी जो साइड है क्या साइड है, जैसे CF1 प्लस CF2, ये कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी, दैट इज कांस्टेंट रहेगी, ओके। देन देखो यहाँ ऊपर मैंने बताया है कि साइड्स कैसी है, कांस्टेंट मतलब इक्वल है। देन अभी इसके ऊपर से हम देखते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ, क्या है केपलर्स फर्स्ट लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, एक ही हम डायग्राम के ऊपर से उसको स्टडी करने वाले हैं। तो क्या है, देखो ये इलिप्स है जिसके दो फोकल पॉइंट है। अभी देखो ये जो है ये प्लैनेट है, ये रोटेट हो रहा है, और ये इस पे क्या हमारे, यहाँ देखो हमारे यूनिवर्स में मतलब यहाँ एक ही सन है, तो कौन से, तो भी एक ही फोकस पॉइंट पे सन रहेगा, ओके। मतलब इस फोकस पॉइंट पे, इस फोकस पे सन है, तो ये है उसकी ऑर्बिट प्लैनेट की, और ये जो हो रहा है रोटेट, ये है प्लैनेट। तो इसके ऊपर से हम केपलर्स फर्स्ट लॉ देखते हैं, क्या है, ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज इलिप्स, मतलब जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट मतलब क्या, पाथ, जो प्लैनेट रोटेट हो रहा है उस पाथ में वो कैसे है, इलिप्स है, एंड विद द सन इज एट वन फोकस, और एक फोकस पे क्या है, सन है, एंड दिस वन इज द सिंपल केपलर्स फर्स्ट लॉ। क्या है केपलर्स फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज इलिप्स एंड विद द सन एट वन फोकस, ओके। ये बिल्कुल ख्याल में रखना और बहुत ईजी है। देन अभी केपलर सेकंड लॉ देखते हैं, अभी केपलर सेकंड लॉ भी उसी डायग्राम के ऊपर से हम स्टडी करने वाले हैं, जो हमारे पास इलिप्स है, एक फोकस पॉइंट पे सन है, और ये है हमारा प्लैनेट, और ये है उसकी ऑर्बिट। अभी देखो प्लैनेट ने क्या किया, इस इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हो गया इट, मतलब दिस प्लैनेट स्वीप दिस मच डिस्टेंस, अभी इसको हम बोलेंगे एरिया वन, दैट इज इन वन मंथ। देन उसके बाद उसने इतना एरिया कवर किया इन नेक्स्ट मतलब वन मंथ में, तो उसको हम बोलेंगे कि एरिया सेकंड, इसको एरिया सेकंड बोलेंगे इन वन मंथ, ओके। देखो अभी हमने जो मतलब टाइम पीरियड लिया, ये कैसे है, सिमिलर है, तो इसके ऊपर से हम केपलर्स लॉ देखते हैं, क्या है, द लाइन जॉइन द प्लैनेट एंड सन, देखो हमने प्लैनेट और सन से क्या की, लाइन जॉइन की, इट स्वीप इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये जो एरिया है ये कैसे इक्वल है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी है, वन वन मंथ है, ओके। अभी ये भी ख्याल में रखना है तुम लोगों ने केपलर सेकंड लॉ में। अभी देखो ए बी एंड सी डी आर डिस्टेंस कवर बाय प्लैनेट इन इक्वल टाइम, हमने अभी देखा है दिस वन इज सन एंड दिस वन इज प्लैनेट, इसने क्या किया इतना एरिया कवर किया, ओके। इसको हमने नाम भी दे दिया ए बी, ए बी क्या है डिस्टेंस है, अभी हमने दूसरा भी एरिया लिया, ओके। तो ये हो गया, इसको हम नाम देंगे सी डी, ओके। दीज आर द डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय दिस प्लैनेट, उस प्लैनेट ने उतना डिस्टेंस कवर किया। द पोजिशन ऑफ प्लैनेट स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू सी, बराबर है ना, जो स्टार्टिंग पोजिशन है ए से स्टार्ट हुआ और यहाँ सी से स्टार्ट हुआ, तो बी और डी क्या है, एंडिंग पॉइंट है, ओके। देन अभी ये हो गया है इसके स्टार्टिंग,
that is A and C. Then the straight line AS and CS. अभी कौन सी है straight line AS and CS? चलो देखते हैं. अभी देखो ये उसने डिस्टेंस कवर किया जिसने हम जिसको हमने नाम दिया है, क्या नाम दिया है? AB. अभी ये हो गया है एक एक लाइन A. यस ओके. अभी ये नेक्स्ट मंथ में मतलब हमने जो नेक्स्ट एरिया लिया है ना जिसको हमने एरिया टू बोला है तो ये हो गया दैट इज CS. दिस वन इज द स्ट्रेट लाइन. कौन सी? AS एंड CS. अभी एरिया कौन सा रहेगा इसका? ए यस बी. और इसका एरिया क्या रहेगा? दैट इज सी यस बी. ओके अभी स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. बराबर है ना? ये इक्वल एरिया इसने कवर किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. ओके एंड दीज आर इक्वल मतलब टाइम पीरियड भी इक्वल है और एरिया भी कैसा है? इक्वल है. अभी थर्ड लॉ क्या है? और थर्ड लॉ भी इम्पॉर्टेंट है और इजी है. उसी डायग्राम से हम स्टडी करने वाले हैं. इलिप्स लिया, उसके पास दो फोकल पॉइंट है, एक फोकस पे क्या है सन है और ये क्या है प्लैनेट रोटेट हो रहा है इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट में. ओके तो क्या है थर्ड लॉ? स्क्वेयर ऑफ द पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन. ये तुम लोगों को क्या करना है थर्ड लॉ, ये तुम लोगों को ख्याल में रखना है, लर्न करना है. ओके अभी केपलर्स लॉ जो है थर्ड लॉ क्या गिवन क्या है? दैट इज द स्क्वेयर, दैट इज हमने टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब अभी हमने देखा, उसके ऊपर से हमने ये फॉर्मूला तैयार हो गया. ओके अभी ये देखो ये इसी डायग्राम के ऊपर से हमने ये अभी तैयार किया है केपलर्स थर्ड लॉ में. ओके देन अभी ये हो गया आर. देखो ये हमने आर लिया और दिस वन इज टाइम पीरियड. ओके देन अभी मतलब हमें अभी लिखना है तो हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमें हटाना है. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कैसे हटाएंगे? तो हमें कुछ तो भी क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट लेना पड़ेगा. तो इसलिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट क्या लेंगे, यहाँ के लेते हैं. तो के लेने के बाद अभी क्या होगा, यहाँ के लेने के बाद दैट इज टी स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के रहेगा ना, क्योंकि अगर यहाँ के आ गया तो यहाँ क्या होगा टी स्क्वेयर इज इक्वल टू के इंटू आर क्यूब एंड हेंस के इज इक्वल टू क्या होगा फिर आर टी स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब. ये स्टेप ख्याल में रखना. ओके देन वी कैन फाइंड द के. अभी हमें हम के की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं कैसे, अगर इफ टी इज एक्सप्रेस दैट इज द अर्थ ऑर्बिट जो है दैट इज इन एयर और जो आर है विच इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ. मतलब दिस डिस्टेंस कॉल्ड वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट इज वन ए यू, इसको हम शॉर्ट में लिखा है दैट इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को. देन सब्स्टिट्यूटिंग द अबाई वैल्यू, जो हमने फॉर्मूला लिया था टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इन टू आर क्यूब, अगर हमने टी की वैल्यू वन ली और आर की वैल्यू वन ली तो हमें क्या मिलेगा, के इज इक्वल टू वन रहेगा ना. तो के इज इक्वल टू वन ये वैल्यू हम उस फॉर्मूले में रख देते हैं. दैट इज व्हेन दिस यूनिट फॉर टी एंड आर इज यूज देन टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब होगा ना. ओके तो ये तुम लोगों को क्या करना है, ख्याल में रखना है. ओके देन केपलर्स ऑब्टेन दिस लॉ बाय स्टडी द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट. उसने प्लैनेट की पोजिशन स्टडी की और उसके बाद उसने केपलर्स ने तीन लॉ प्लैनेटरी मोशन के दी है. ओके देन ही हैड नो एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई प्लैनेट ओबी दिस लॉ. लेकिन उसने ये ऐसे बताया नहीं कि ऐसे क्यों करते हैं, तो उसके एक्सप्लेनेशन केपलर्स ने नहीं दिया है. ओके देन अभी यूज योर ब्रेन पावर में क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इजी है. क्या है, इफ द एरिया ई एस एफ इक्वल टू एरिया ए एस बी, चलो देखते देन व्हाट डू विल यू इनफर अबाउट द ई एफ, फिर ई एफ क्या है. चलो उसी डायग्राम से ऊपर हम देखते हैं. देखो ये हो गया एक एरिया जिसको हमने एरिया वन बोला है. ओके तो एरिया देखो कौन सा है ए एस बी, ए एस बी और नेक्स्ट इसमें एरिया हम लेते हैं उसका नाम हो गया क्या, दैट इज द एरिया ई एस एफ. ओके दीज आर द एरिया. ओके देन अब तुम लोगों को पूछा गया है तो ई एफ क्या है, क्या है, दिस वन इज नथिंग बट अ डिस्टेंस. किसने कवर किया,
प्लैनेट ने, ओके तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज ए बी एंड ई एफ आर डिस्टेंस. देखो ए बी भी और ई एफ भी क्या है, डिस्टेंस है. किसने कवर किया हुआ है, विच इज कवर्ड बाय प्लैनेट इन इक्वल टाइम. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, ओके. एंड इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट में केपलर के बारे में बताया गया है कि ये जो केपलर है वॉज अ जर्मन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन. ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ हेल्पर टू द फेमस एस्ट्रोनॉमर ट्राइको ब्राहे. एज अ हेल्पर उस वो काम करता था. अभी उसका जो जॉब था किसका, केपलर का क्या जॉब था उसका जब एज अ हेल्पर काम करता था. हिज जॉब वॉज यूज ट्राइको डाटा ऑन मार्स टू फिट विद द ट्राइको कॉस्मोलॉजिकल मॉडल. मतलब जो डाटा था मार्स के ऊपर को ऑब्जर्वेशन का, किसने, ब्राहे ने, टाइको ब्राहे ने किया था. उसको क्या करना, उस डाटा को यूज करना. एंड लेकिन आफ्टर द सडन डेथ ऑफ ब्राहे इन 1601 में केपलर वॉज अपॉइंटेड एज अ रॉयल मैथमेटिशियन इन हिज प्लेस. मतलब टाइको ब्राहे की जगह पे उसको अपॉइंट किया गया. केपलर यूज द ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लैनेटरी पोजिशन मेड बाय ब्राहे टू डिस्कवर द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. वो भी उसने क्या किया, वो जो डाटा था उसका स्टडी किया और उसके ऊपर से उसने प्लैनेटरी मोशन के बारे में तीन लॉ दिए. किसने, केपलर्स ने, ओके. तो ये अभी हमने उसी डायग्राम के ऊपर से हमने स्टडी की, ओके. एंड केपलर रियलाइज द मार्स मूव इन इलिप अराउंड द सन. और उसके ऊपर से केपलर से पता है कि मार्स पे क्या करता है, मूव करता है अराउंड द सन इन स्पेसिफिक ऑर्बिट, ओके. देन ही रोट सेवरल बुक, उसने डिफरेंट बुक्स लिखे उसके ऊपर, प्लैनेटरी मोशन के ऊपर. देन हिज वर्क वॉज लेटर यूज बाय न्यूटन. उसका ही जो वर्क था जिसके बारे में केपलर ने बताया, उसी का यूज न्यूटन ने भी किया इन पोस्टुलेटिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूटन्स यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.